दीपक बिष्ट की बड़ी खबर, बीएसईएस इंजीनियर मौत मामले में दो युवकों की पहचान कर ली गई है। इन दोनों युवकों के खिलाफ धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पहचाने गए दोनों युवकों पर आरोप है कि इन्होंने बीएसईएस के कर्मचारियों को धमकी दी, उनके साथ मारपीट की और पीछा भी किया। बिजली चोरी रोकने के लिए गई टीम का गाँव वालों ने पीछा किया था, जिसमें गाड़ी एक पेड़ से टकराने से एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कौन कौन हैं ये लोग? देखिए, इन दोनों की पहचान जो है अभी पुलिस ने ज़्यादा उजागर नहीं की है। उनका जिसमें से एक का नाम जरूर फौजी है, जो दोनों ही गांव के बताए जा रहे हैं। और इन दोनों पर शक कल से ही था, क्योंकि बीएसईएस के जो कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जो 26 जवान गांव में गए थे बिजली चोरी को रोकने के लिए, तो वहाँ पर लोगों से पूछताछ के बाद इन दोनों का नाम सामने आया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो 304 जो धारा लगाई गई है गैर इरादतन हत्या की, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो ये दोनों बाइक से चेज कर रहे थे इनकी वैगनार को, और यही वजह थी कि वैगनार को चेज के वक्त एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें अभिमन्यु जो इंजीनियर थे बीएसईएस के, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद ही पुलिस ने काफ़ी देर के बाद ये मामला जरूर दर्ज किया है, लेकिन अभी भी दोनों की तलाश जारी है, क्योंकि गांव में हो सकता है कि गांव में छुपे हों या कहीं और हों, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या वाकई पहली नज़र में ये गैर इरादतन हत्या का मामला नज़र आता है दीपक? देखिए, कल शाम को डीसीपी से हमने जरूर बात करी थी, साउथ वेस्ट के सुरेंद्र कुमार से, तो उनका ये कहना था कि अभी तक इस मामले में किसी ने ऐसी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि जो पूरे मामले की हकीकत को बता सके, क्योंकि वैगनार जिस तेज़ी के साथ सड़क पर चल रही थी उसके पीछे दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भी थी और अधिकारियों की गाड़ियाँ भी थी, तो अचानक वैगनार का जो है बैलेंस खराब हुआ, और वो उसकी वजह बताई जा रही है कि कुछ बाइकर्स उनके आसपास चल रहे थे, और बताया जा रहा है कि वो बाइकर जो है झुलझुली गाँव जो जाफरपुर इलाके में पड़ता है, जहाँ बीएसईएस के लोग रेड करने गए थे, उसी गाँव के लड़कों की थी, और यहीं से शुरुआत हुई थी कि जरूर ये लोग पीछा कर रहे थे। शायद उस वीडियो टेप को हत्याने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो वीडियो टेप अभिमन्यु ने बनाया था, क्योंकि कैमरा उनके पास था, और उसी टेप को हत्याने की वजह से ये पूरा प्लान बनाया था, लेकिन अभिमन्यु की गाड़ी को रोकने के बजाय वो गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। शुक्रिया दीपक बिष्ट इस जानकारी के लिए आपका। मोहम्मद शफी शमसी की एक बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रूपा गांगुली और उनके समर्थकों को पुलिस ने रोक दिया है। इसके बाद रूपा गांगुली और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। दरअसल रूपा पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिजनापुर के करण दिघी में एक बलात्कार पीड़ित से मिलने जा रही थी। पुलिस ने रेप पीड़ित से मिलने से रोका है रूपा गांगुली को, और इस दरमियान ये जो झड़प की तस्वीर पुलिस के साथ रूपा गांगुली के समर्थक और पुलिस के बीच ये देख रहे हैं आप। और पुलिस ने जब रूपा गांगुली और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की, तो रूपा गांगुली पुलिस पर भड़क गई और उन्हें रोके जाने का विरोध करने लगी। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली और उनके समर्थकों को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद रूपा गांगुली और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। शफी शमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले विवादास्पद टिप्पणी की थी रूपा गांगुली ने, और लगातार सुर्खियों में बनी हुई है शमसी, और अब वो वहां पर पहुंची है जहां पर उन्हें रोक दिया गया है रेप पीड़िता से मिलने से। जी बिल्कुल, ये रूपा गांगुली के लिए जो है ये इस तरह की बात उनके लिए नहीं है। अक्सर उनके साथ ऐसा यहाँ होता रहता है, लेकिन यहाँ जिस तरह की राजनीति वो करती हैं, वो ग्राउंड पर उतरती हैं, लोगों से मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की राजनीति में अक्सर जो है उनके सामने जो है इस तरह की अड़चने आती हैं, और आज भी वही हुआ है जो अमूमन उनके साथ होता रहा है। जब भी किसी विवादित जगह पर इस तरह की राजनीति होती है तो यहाँ अमूमन जो है ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह का मिलता है, और ये इनके लिए फिर से एक बार हुआ है। पहले भी कई बार वो कुछ पुलिस को धमकाते हुए नजर आ रही है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है इस दरमियान? इस वक्त देखिए, वो जो विजुअल्स हैं उसके हिसाब से ये है कि रूपा वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ ये जो आदिवासी इलाका है ये आदिवासी लोगों से मिलने जा रही थी, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको मालूम है कि इस वक्त जो है कई पॉकेट्स में पश्चिम बंगाल में जो है काफ़ी जो है हद तक जो है नॉर्मल नहीं है, इसलिए जब भी इस तरह के राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व जाते हैं तो उसको अक्सर जो है पुलिस जो है आड़े हाथों लेती है, और इस वक्त भी शायद वहाँ जो है इस वक्त जो है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि सिचुएशन और बिगड़ ना जाए, पुलिस ने यहाँ हस्तक्षेप किया, और जिसमें रूपा जो है उसको रोकने। शुक्रिया शमसी आपका इस जानकारी देने के लिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने वाली रूपा गांगुली रेप पीड़िता से मिलने पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया, और फिर तीखी नोकझोंक पुलिस की, उनकी और उनके समर्थकों की हुई है।